हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा और मैं आपको आज माया इंटरफेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा माया का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, हम इसे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा चालू हो चुका है इस तरह से। और आप देख रहे हैं कि आपको इस पे कुछ ऑप्शंस और सेल्फ, कुछ टूल बॉक्स, एनिमेशन, कुछ टाइमलाइन वगैरह कुछ दिखाई दे रही है ऐसा कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो दिख रहा है सामने, ये हमारा व्यूअर है, व्यूअर पैनल। व्यूअर पैनल वो होता है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इस पैनल में। सॉरी। और दूसरा ये कि यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे मेनू बार। ये जो ऊपर दिख रहा है, सॉरी, मेनू बार है ये हमारा ऊपर का, फाइल हो गया, एडिट हो गया, क्रिएट हो गया, सेलेक्ट, मॉडिफाई। मेनू बार में ये उसके सब मेनू होते हैं, ऑप्शंस रहेंगे इसमें भी। एंड उसके नीचे अगर आ जाते हैं ये, तो ये स्टेटस बार हो जाता है। स्टेटस बार में आपको कुछ रेंडर के यहाँ पे इतने पैनल दिखाई देंगे जो फाइनल आउटपुट निकालने के टाइम काम में आते हैं। एंड कुछ स्नैपिंग के ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे और कुछ यहाँ पे फाइल अंडू रिडू के ऑप्शन मिल जाएंगे, सेव, सेव एज, ये सारे ये ऑप्शन। और यहाँ पे कुछ मॉडिफाई, इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के इसके पर्टिकुलर कुछ ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसे ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है माया को कि अगर आप रिगिंग कर रहे हैं तो ये इसका एक पर्टिकुलर ऑप्शन है स्पेशल बनाया हुआ। अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो एनिमेशन में आप स्विच हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अगर आप डायनामिक्स और जैसे धमाके वगैरह करना चाहते हैं तो एफेक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये एफेक्ट्स में जाके आप इसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर के ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एन क्लॉथ है, एन हेयर है, एन कंस्ट्रेंट्स है, तो एन मीन्स न्यूक्लियर। और ये रेंडरिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरह से मॉडिफाई कुछ किया गया है माया को। और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये आपके टूल बॉक्स हैं, वो जैसे हम काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे इसके साथ, तो इसका यूज भी हम करेंगे। यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चला गया है ये, तो ये हमारा है क्विक लेआउट मेनू, मीन्स पैनल को स्टार्टअप करने के लिए क्विक लेआउट बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपको, ये हमारा एनिमेशन कंट्रोल्स है, जो टाइम लाइन जिसे कहते हैं एनिमेशन का, एनिमेशन का, सॉरी। और यहाँ पे कुछ मेल कमांड्स हैं, माया एम्बेडेड लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म होता है मेल, तो यहाँ पे कमांड लिखी जाती है, स्क्रिप्टिंग का यूज़ यहाँ पे करते हैं। और इसके नीचे आप आ जाएंगे तो आपको इस तरफ से आप अगर आ जाते हैं यहाँ पे कुछ ये वाला पट्टी जो दिख रहा है आपको, ये हेल्पलाइन बोल सकते हो यहाँ पे। और ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डिस्प्ले एंड लेयर का, ये है लेयर डिस्प्ले पैनल। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, जैसे फोटोशॉप में आप बनाते हैं उसका नया लेयर बनाते हैं, वैसे यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का लेयर यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। और ये पैनल आपको जो दिख रहा है वो पैनल है आपका चैनल लेयर एडिटर। आपको यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एट्रीब्यूट एडिटर मिलेगा, मॉडलिंग टूल किट मिलेगा, एंड बाय डिफॉल्ट ये तुम्हारा चैनल लेयर बॉक्स रहेगा।
यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस मॉडलिंग स्कल्पिंग रिगिंग ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके सेल्फ हैं, सेल्फ एडिटर। सेल्फ में आपके अपने ऑप्शंस जो रहेंगे आपको ज़्यादा यूजेबल जो रखते हैं शॉर्टकट्स हैं, यहाँ के सेल्फ ये शॉर्टकट्स हैं और ये ऊपर वाले सेल्फ हैं। आप सेल्फ में ऐड भी कर सकते हैं कोई चीज़। यहाँ पे वर्कस्पेस का एक ऑप्शन दे रहा है, वर्कस्पेस का ऑप्शन ये देता है कि आपको किस टाइप के वर्कस्पेस में काम करना है, रिपोर्ट आपका किस टाइप का होना चाहिए। स्टैंडर्ड करेंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड मीन्स ये टूल किट ऐड हो जाता है उसमें। अगर आपको स्कल्प्टर हैं, स्कल्पिंग करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से ये आपको मॉडिफाई करके दे देगा। हाँ, अगर कभी बाय डिफॉल्ट क्लासिक ही रहने देते हैं, अगर कभी रिपोर्ट चेंज हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ पे आकर रीसेट का एक ऑप्शन होता है, रीसेट हम कर सकते हैं, रीसेट करंट वर्कस्पेस। ये रीसेट करंट वर्कस्पेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं कि ये जो दिख रहा है व्यूपोर्ट, हमें पैनल जो दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। और ये जो दिख रहा है ये हमारा होता है पैनल टूल बार, रिपोर्ट पैनल टूल बार। रिपोर्ट पैनल टूल बार में भी अपना इसका खुद का ऑप्शंस होता है, कैमरा है, लॉक कैमरा है, कैमरा की सेटिंग्स हैं, ग्रिड है, फ्रेम है, जिस फ्रेम में आप आउटपुट निकालना चाहते हैं इस तरह के वो है, वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम शेडेड है, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब बात आती है इसे हैंडल करना कैसे। तो माया स्पेस बार, स्पेस बार अगर प्रेस करते हो तो वो फोर व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए दो रिपोर्ट आ रहे हैं सेम सेम, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहाँ पे आएंगे क्विक लेआउट में, इसको क्लिक कर देंगे फोर व्यू को, तो वो अच्छे से ले लेगा। अब यहाँ पे चार व्यू दिख रहा है, फोर व्यू हमें ये प्रेजेंट कर रहा है माया। बाकी जो सॉफ्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक के जो भी सॉफ्टवेयर आपने सीखे होंगे 2D वाले, उसमें सिंगल रिपोर्ट होता है, बट ये फोर रिपोर्ट वाले सॉफ्टवेयर है, फोर रिपोर्ट का एक, जिसमें काम करने के लिए आपको बाकी के तीनों रिपोर्ट्स भी हैंडल करने पड़ेंगे। जैसे ये टॉप हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया। इस साइड को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि वो हमारा, हमारे साइड दो होते हैं, लेफ्ट और राइट दो होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ से मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, और इनका पर्टिकुलर अपना एक ऑप्शन होता है। बाई चांस हमने यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर दिया, हाँ, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, बाकियों में दिख रहा है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके बस ये वाले ऑप्शन को फिर से जैसे के तैसा बना देना है, क्लिक कर देना है, वो सही हो जाएगा। अब इसके साथ काम कैसे करना है, काम करने के लिए पॉली मॉडलिंग, हाँ, ये जो जितने हैं इसे पॉलीगॉन के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ क्या, इसे ये हम क्ले भी बोल सकते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि हमें इसे इसके साथ में ही काम करना है। तो इसे जस्ट क्लिक कर देना है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है, वो कुछ प्लस साइन के साथ वो इंडिकेट कर रहा है आपको, एक डाउन एरो क्रॉस एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये कि आप इसे क्लिक करके एक डायरेक्शन में पुश करेंगे या पुल करेंगे, जो भी ऐसे खींचेंगे तो वो सडनली क्रिएट हो जाएगा और आपको शो होने लग जाएगा। अब ये आपने ड्रॉ तो कर दिया, बट इस व्यू में और इस व्यू में वो कुछ वायर जैसा दिख रहा है, मीन्स ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हर पैनल का अपना एक खुद का पैनल बार होता है, टूल बार होता है, पैनल टूल बार। उसमें ये ऑप्शन देखिए ऑन है, ऑफ कर दीजिए इसे, ऑफ कर दीजिए तो आपको शेडेड में दिखने लग जाएगा। अब इसके साथ काम करना है, काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये
स्पेस बार आपको दबा देना है। स्पेस बार आपने जैसे ही दबाया, ये आपका एक्सपर्ट मिस सिंगल वी पोर्ट में स्विच हो गया और आप इसे अच्छे से काम कर सकते हो। अभी इस पे ना तो कोई गिज़्मो है और ना ही कोई कंट्रोल शो हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अगर इस पे अगर कोई कंट्रोल नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से W W की आप प्रेस करेंगे। W की प्रेस करते ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको तीन एक्सिस का एक कंट्रोलर मिल गया है जो शो कर रहा है कि ये X है, ये Y है, ये Z है। यहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, ये आपको दिखाएगा, शो करेगा कि हमारा डायरेक्शन क्या चीज है। अब इसकी हेल्प से आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं माउस के लेफ्ट क्लिक से। ध्यान दीजिएगा, माउस के लेफ्ट क्लिक से आप इसे मूव कर सकते हैं। अब इस पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये सब पैनल खाली थे, ये और ये वाले पैनल खाली थे, इसमें कुछ शो नहीं हो रहा था। ऑब्वियस नहीं शो होगा, जब हमने कुछ इसे कमांड ही नहीं दिया, माया को कुछ क्रिएट ही नहीं किया, तो वो किसका डिटेल दिखाएगा। और अब हमने ये डिजाइन बना दिया, एक स्पीयर बना दिया है, तो स्पीयर किन किन चीजों से मिला के बना हुआ है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ये ग्रिड है, ग्रिड हम एक तरह से समझ सकते हैं कि ये ग्रिड मतलब हमारा अर्थ हो सकता है, बेस लाइन जो हो सकता है वो है, उस पर इसकी पोजीशन कहाँ है वो ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि ट्रांसलेट एक्स में इतना वैल्यू है, ट्रांसलेट जेड में इतना वैल्यू है, वाई में जीरो है। अब ये लाइन 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 इस पे बहुत सारी लाइन दिख रही है, वो हमारे क्या है, वो हम इसे कह सकते हैं कि वो सब डिविजन एक्सिस है और सब डिविजन हाइट है, ये सब डिविजन के नाम से जाना जाता है। और इसमें सब डिविजन कितने हैं, 20 20 है, और इसका रेडियस जो है वो 5.199 शो कर रहा है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट नंबर लिखना है, एंटर करना है, नंबर लिखना है, एंटर करना है, उसके लाइंस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, सब डिविजन वैल्यू कम हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, ई प्रेस करेंगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप ई को प्रेस करोगे तो सेम एज ये रोटेशन में स्विच हो जाएगा और इसे आप रोटेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एंगल में। अगर स्नैप इसे रोटेट करना है तो आप यहाँ पे जाके उसे 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, ये इस तरफ रोटेट हो गया। दूसरी चीज, अब मैं इसे हैंडल कैसे कर रहा हूँ, माया को हैंडल करने के लिए अल्ट की का यूज लगेगा और माउस का यूज लगेगा। अल्ट की को दबा के रखना है और माउस के लेफ्ट क्लिक को भी दबा के रखना है और माउस को अपने ही जगह पे ऐसे ड्रैग करना है, घसीटना है, अल्ट को छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को भी आपको दबा के ही रखना है और ऐसे जगह पे घसीटना है, वो 360 रोटेट होगा। दूसरी चीज क्या है, अल्ट को दबा के ही रखना है और मिडल माउस को भी आप दबा के रखेंगे और ऐसे रब करेंगे, इरेजर की तरह रब करेंगे, तो वो पैनिंग होगा, ग्रिड को एक जगह से दूसरी जगह तक बिना हिलाए लेके जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बिना मूव किए। तीसरा क्या है, माउस स्क्रोल जूम इन जूम आउट के लिए होता है, माउस का स्क्रोल बटन आप कर रहे हैं तो ये स्क्रोल जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तीसरा एक और कंट्रोल मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे कहते हैं माया के लैंग्वेज में या कैमरा की लैंग्वेज में डॉली व्यू होता है, जो वो अल्ट और राइट क्लिक के साथ भी काम करता है। जैसे ही आप अल्ट और राइट क्लिक दोनों को एक साथ दबाएंगे, आपका ये जो कर्सर है माउस का वो चेंज हो जाएगा और वो दिखाएगा कि आप आगे या पीछे माउस को ऐसे करेंगे, आगे या पीछे घसीटेंगे, ड्रैग करेंगे आगे पीछे, तो वो जूम इन जूम आउट होगा, बट बहुत माइनर वैल्यू में, मीन बहुत ही स्मूथ होगा ये। तो यहां तक तो हम आ गए, और अब बात आती है, अब ये ऑब्जेक्ट को अगर छोटा या बड़ा करना हो तो क्या करेंगे, स्केल करना है
आर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। आर प्रेस करते ही आपको एक दूसरा गिज़्मो मिलेगा, सेम है ट्रांसफॉर्म के जैसे, जैसे डब्ल्यू था वैसे आर, बट यहाँ पे थोड़े से बॉक्सेस बने होंगे सेंटर से। अब स्केलिंग करने का अलग ही थोड़ा सा एक फंडा है। अगर पर्टिकुलर एक्सिस पकड़ के आप खींचोगे तो उसी डायरेक्शन में वो स्केल होगा। अगर ये वाला पकड़ के करते हो तो इस एक्सिस जेड एक्सिस पे वो स्केल होगा। अगर आप टॉप के वाई में करते हो तो वो टॉप का होगा। लेकिन इन तीनों के बावजूद सेंटर पे एक कंट्रोल दिया है, ये सेंटर से ऑल ओवर मीन्स क्लिक करना है और माउस को आगे या पीछे रब करना है, उसी जगह पे माउस को ड्रैग करना है, ऐसे घसीटना है, तो वो स्केल इन स्केल आउट होने लग जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि ये येलो जो कंट्रोल है उसे सेंटर वाला पकड़ना है, ना कि ये वाला और ना कि ये वाला। ये करने से आपका मॉडल खराब हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। हाँ, इसकी जरूरत है तो आप कर सकते हो। सॉरी, अब यहाँ पे मैंने जो एक बार आपको बताया था WER, WER, मैं जैसे WER प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कंट्रोलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे WER ये वाले। और सिलेक्शन के लिए इसका यूज करना है, सिलेक्शन के लिए हमेशा ये ही टूल का यूज करना है, क्योंकि ये ड्रायल और रेक्टेंगल शेप में हमारा सिलेक्शन दिखाता है। ये वाला नहीं करना है, ये वाला तो इस तरह से सिलेक्शन होता है, ऐसे माउस के लेफ्ट क्लिक से इस तरह से सेलेक्ट होता है, बट हमें वो नहीं करना है, हमें ये ही करना है। ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसे इसे एडिट कैसे करेंगे, इसके साथ काम कैसे करेंगे। अब मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा रोटेट, इस रोटेट मैं कर देता हूँ, ये जेड वैल्यू हम जीरो कर देते हैं, ये हमने कर दिया जीरो। और मैं अल्ट और माउस के लेफ्ट क्लिक के हेल्प से मैं इसे जरा सेट कर लेता हूँ, और इसे ग्रिड के ऊपर डब्लू की हेल्प से, ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसे ऊपर ले जाके सेट कर देता हूँ। मैंने सेट कर दिया, ओके। अब इसे एडिट कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं और एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट कैसे करें। कंट्रोल डी जो होता है वो डुप्लीकेट का एक शॉर्टकट तो है। एक बार ये डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी करते चले जाना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी ना दबा के शिफ्ट डी करेंगे। शिफ्ट डी ये भी कॉपी के लिए है, कॉपी बट मेनी टाइम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। अब जैसे मैंने शिफ्ट डी करके इसे आगे लिया और यहाँ पे सेट कर दिया, उसके बाद शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी प्रेस करते चला जा रहा हूँ, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वो कॉपी करते चले जा रहा है। हाँ, तो कॉपी करने का ये अलग से भी शॉर्टकट है। और कंट्रोल डी क्या है, ओनली वन टाइम और किसी भी प्लेस में। क्लियर? अच्छा, ये हमने बना दिया। अब इसे कंट्रोल जेड अगर मैं कर रहा हूँ तो वो अंडू हो रहा है, मीन्स वो अंडू हो रहा है, मीन्स वो पीछे 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 एक एक पीछे पीछे जा रहा है अंडू। ठीक है, ये। और दूसरी चीज, कभी कभी अंडू काम नहीं करता है, कभी कभी अंडू अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा है, तो उसे अनेबल करना पड़ता है, वो डिसेबल हो जाता है कभी कभी। अनेबल कहाँ से करेंगे, विंडो में चले जाएंगे, सेटिंग एंड प्रेफरेंस में जाने के बाद ये प्रेफरेंसेस पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। सॉरी, प्रेफरेंसेस, हाँ प्रेफरेंसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ अंडू का ऑप्शन दिखेगा आपको। अंडू अंडू को जाके यहाँ पे ऑन कर देना है, अगर ऑफ रहेगा तो, ऑन है तो कोई बात नहीं, अंडू में जाके ऑन कर देना, सेव कर देना, वो अंडू काम करने लग जाएगा। कंट्रोल जेड अंडू के लिए है, वन वन स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरी चीज, अगर हमें इसे
किसी मॉडल में कन्वर्ट करना है, इसे मॉडलिंग करनी है, इसे कुछ बनाना है इस क्ले की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे? हम एक ही चीज कर सकते हैं, इसके और थोड़ा डीप में जाते हैं इसके अंदर। अब इसके और डीप में जाने के लिए हम क्या करेंगे, माउस के, ओनली माउस के राइट क्लिक से, ओनली माउस के राइट क्लिक के साथ काम करेंगे। राइट क्लिक दबा के रखेंगे और यहाँ पे एजेस दिख रहा है आपको, वर्टिसेस दिख रहा है आपको, फेस दिख रहा है आपको, ये चार चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एज, वर्टिसेस एंड फेस। अगर एज मोड में मैं चले जाता हूँ, दबा के रखना है, राइट क्लिक छोड़ना नहीं है माउस के, राइट क्लिक को दबा के रखना है और ऐसे घसीटते रहना है, एक एक ऑप्शन एज ड्रैग करते रहना है, एज पे चले जाते हैं। एज पे जाते ही हमारा ये जो माउस है वो हमें रेड 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 ऑप्शन दिखाने लग जा रहा है, वो मीन्स ये एज है, ये लाइन जो है वो एज मोड में स्विच हो गया है, इसलिए ये हमें ये सिलेक्शन ले रहा है। दूसरी चीज क्या है, फिर से राइट क्लिक करेंगे और ये वर्टिसेस में जाएंगे। ये वर्टेक्स क्या चीज है, वर्टेक्स मीन्स ये पॉइंट हो जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा तीन पार्ट से बना होता है, वर्टिस, एज और फेस। फेस क्या होता है, ये फेस जो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, स्क्वायर शेप में दिख रहा है, वो हमारा शेप है, फेस है, सॉरी वो फेस है। और इन सब मोड में से, एज में से, वर्टिस में से, फेस में से, अगर हम स्विच हैं इस मोड में या इसमें काम कर रहे हैं, तो ये तब तक ये कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, पीछे लगा रहेगा, ये छोड़ेगा नहीं हमारे माउस को, जब तक हम राइट क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट मोड में ना स्विच हो जाएं। ध्यान में रखिएगा ये सब, किसी भी मोड में से बाहर आने के लिए, मीन्स हम मोबाइल में काम करते हैं तो बैक आते हैं, वैसे इसमें बैक आने के लिए ऑब्जेक्ट मोड बना हुआ है। वर्टेक्स मोड में अगर काम कर रहे हैं तो बैक आएंगे तो आ नहीं सकते, कुछ भी बैक स्पेस दबाओ, कुछ भी दबाओ, हम पीछे नहीं आ सकते, कब तक, जब तक हम राइट क्लिक करके फिर से उसी जगह में जाके ऑब्जेक्ट मोड में ना स्विच हो जाए। अब हम उसी के हेल्प से, उन्हीं एज और फेस और वर्टिसेस की हेल्प से मैं इसे किसी एक मॉडल में कन्वर्ट करूंगा, एक डिजाइन दूंगा, इसे तराशूंगा। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि इसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं इसे किसी मॉडल में ढालना चाहता हूँ, इसे आकार देना चाहता हूँ, तो इसके कुछ पार्ट्स को हमें पहले डिलीट करना पड़ेगा, मिस मिटाना होगा उसे। इस ऑब्जेक्ट को भी नुकसान होगा, इसे दर्द होगा, बट इसे एक अलग सा आकार मिलेगा। तो आकार देने के लिए हम पहले किस में जाते हैं, जा सकते हैं, और फेस में जा सकते हैं। फेस को ऐसे इस तरह से पकड़ लेना है, ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट हो जाएगा सब। ध्यान में ये रखना है, सॉरी, ध्यान में ये रखना है कि साइड व्यू, टॉप व्यू और ये पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव में दिख रहा है ठीक है, लेकिन साइड और फ्रंट हमें कुछ कुछ सेम लगते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ऐसे फ्रंट में जाके ड्रैग करके हमें ये इतना लाइन का फेस सेलेक्ट कर लेना है। आड़ा टेढ़ा नहीं सिलेक्ट करना, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, ऊपर से एक कॉर्नर से शुरू करके यहां से इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करेंगे तो उतना डिलीट हो जाएगा, ये इस तरह से कटोरे जैसा डिजाइन बन जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए, ये कटोरा जैसा कुछ बन गया है, ठीक है, कटोरे जैसा तो बन गया है। अब हमें फेस के साथ काम करना नहीं है, अब हम स्विच होंगे दूसरे मोड में, दूसरे मोड में स्विच हो जाएंगे, कहाँ, एज मोड में। अब एज मोड हमारा कैसा आएगा, अब वो मैं दिखाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव को सिंगल व्यूपॉइंट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि एज मोड आते आते ही हमें ये रेड 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 दिखने लग गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के ये जितने लाइन है, ऊपर वाली लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सराउंडिंग, सरकम में सेलेक्ट करने के लिए या तो एक 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 सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के ऐसे एक एक दबा दबा के सेलेक्ट करो, या तो फिर शिफ्ट की सहायता से, शिफ्ट की हेल्प से, शिफ्ट दबा के ऐसे 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 सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल कॉपी
मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, वैसे माया में कंट्रोल शिफ्ट दबा के मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक एज पे आके डबल क्लिक करेंगे तो वो सराउंडिंग फटाक से हो जाएगा, इस तरह से सराउंडिंग हो जाएगा। अब मैं इसे पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो वो ऊपर की तरफ भी बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेच होगा, बट हम इसे कितना खींच के ले जाएंगे, कितना नहीं लेके जा सकते ज्यादा लिमिट तक, क्या कुछ डिजाइन बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब WER जो मैंने आपको पहले बताया था उसी की हेल्प से हम इसमें काम करेंगे। अब देखिए, अब मैं एज मोड पे स्विच हूं और मैंने स्केल का कमांड दिया R, और सेंटर पे जो ब्लू आइकॉन दिख रहा है, ब्लू ये ना नीचे वाला ना ये साइड वाला, ये सेंटर पे, तीनों के सेंटर पे जो है, मैं अगर उसको पकड़ के अंदर की तरफ ऐसे पुश करता हूँ, अंदर की तरफ मतलब माउस को अपनी तरफ खींच के लेके जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन दिखा रहा है, मीन्स वो अंदर की तरफ हो गया है। एक बढ़ई सॉरी एक कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है वो जैसे काम करता है, उसी तरह से हम ये काम करेंगे, मीन्स ऐसे अंदर की तरफ, माउस को अपनी तरफ लेफ्ट क्लिक दबा के अपनी तरफ खींचोगे तो वो अंदर की तरफ स्विच हो जाएगा, मीन्स खींचेगा अंदर की तरफ खींच रहा है, हम ये इसे आगे पीछे देख रहे हैं, माउस के लेफ्ट क्लिक और अल्ट दबा के होल्ड करके ऐसे ड्रैग करके देख सकते हैं। उसके बाद में अब सोच रहा हूँ कि कुछ मटके जैसा आकार बन जाए, ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, इसका गर्दन सुराही जैसे हो जाए, तो मैं W दबाऊंगा, W की हेल्प से ये ऊपर का कुछ दिख रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में खींचने के लिए यहाँ से बात आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसे अब मुझे और भी क्ले का जरूरत लगेगी, और भी मिट्टी की जरूरत लगेगी, तो मैं बाहर से कोई क्ले लेके इसमें जोड़ूंगा तो नहीं, बट मैं ये चाहूंगा कि यही एज ऊपर की तरफ अगर निकल जाता तो और भी अच्छा होता। तो वो निकलेगा कैसे, शिफ्ट दबा के रखना है और इसे एक्सट्रूड करना है, ये ऊपर वाला डायरेक्शन एक बार ऊपर की तरफ खींच के लेके जाना है, इस तरह से शिफ्ट दबा के रखना है, याद रखना शिफ्ट को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं, ऐसे लगे कि दबा के छोड़ दिया और एक्सट्रूड हो गया, वो गलत है, शिफ्ट को दबा के रखना है और माउस का लेफ्ट क्लिक से ये जो ऊपर का है एरो वाई डायरेक्शन इसे पकड़ के आपको ऊपर खींच के लेके जाना है, ठीक है। अगर बाई चांस शिफ्ट दबा के और एक बार खींच दिए, इसकी गर्दन और लंबी हो गई, तो अंडू आना है, ध्यान में रखना अंडू Ctrl Z, तो वो अपनी जगह पे फिर से आ जाएगा। ये करने के बाद ही आप क्या करेंगे, अभी ये कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसमें शॉर्टकट्स है, बाय डिफॉल्ट एक नंबर पे है, ये कीबोर्ड की सहायता से आप एक नंबर दबाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही बना रहेगा, अगर जैसे ही मैं तीन नंबर दबाता हूँ तो ये एक नंबर दिखेगा, एक नंबर दिखने का मतलब अच्छा दिखेगा। अब जैसे का तैसा मैं कर देता हूं वापस एक नंबर दबा के। अब मैं ये सोचता हूं कि जरा सा और एक बार एक्सट्रूड हो जाए और मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लूं और W दबा के एक बार शिफ्ट दबा के माउस के लेफ्ट क्लिक से एक बार फिर से इसे ऊपर लेके चला जाता हूँ ऐसे, और फिर से मैं तीन दबा देता हूँ तो ये कुछ अच्छा सा मॉडल दिख तो रहा है। तीन नंबर दबा के मैंने स्मूथ किया है इसे, और फिर से मैं एक नंबर दबा देता हूँ और फिर से R दबा के इसे मैं अंदर की तरफ लेके जाता हूँ, W शिफ्ट लेफ्ट क्लिक एक्सट्रूड, R प्रेस करूंगा, R के साथ ही काम कर रहे हैं अभी तक हम लोग, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, शिफ्ट फिर से ऊपर की तरफ, अब R, अब तक तो हम अंदर की तरफ उसे खींच रहे थे, अब मैं चाहूंगा सुराही का मुंह खुलना चाहिए, तो एज मोड पे ही स्विच है, ध्यान से देखिएगा एज ही हमारा सराउंडिंग है और मैं उसे पकड़ के बाहर की तरफ ऐसे खींच दूंगा, मीन्स अपने माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ एज सेलेक्ट है सराउंडिंग में, ध्यान में रखिएगा, और इसे बाहर की तरफ खींच देंगे, बाहर की तरफ खींचना मतलब अपने माउस को घसीटेंगे आगे की तरफ, तो इस तरह से कुछ हमारा मॉडल बन जाएगा। अब जैसे ही हम तीन दबाएंगे, वेरी गुड पॉट बन के आया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी मोड में अगर स्विच है, खासकर एज या वर्टिसेस या फिर फेस में, तो हम बैक तब तक नहीं आ सकते जब तक फिर से उसी मोड में जाके मीन्स राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में ना स्विच हो जाए, क्लियर। ये
अब मैं ऑल ओवर इसे छोटा कर सकता हूं और इसे ग्रिड के ऊपर प्लेस कर सकता हूं। इस तरह से ये ग्रिड के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया और मैंने आपको डुप्लीकेट का भी ऑप्शन बताया था, कंट्रोल डी से मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूं। और मेनी टाइम्स अगर उसी डिस्टेंस पे अगर करना है तो शिफ्ट डी का यूज करेंगे, कंट्रोल डी और शिफ्ट डी दोनों दो तरह के काम करते हैं, ठीक है। और ये मैंने ऐसा बनाया और फिर से मैंने शिफ्ट डी प्रेस किया तो मेरे पास इतने सारे हो चुके हैं, सबको सेलेक्ट किया। मैं सिलेक्शन पहले भी बताया था, सिलेक्शन हम कभी भी इस तरह वाला सिलेक्शन लेंगे जो रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता है और शिफ्ट डी करेंगे और फिर से हमारा ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, और फिर उसके बाद ये हम बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास इतने सारे पॉट अवेलेबल दिखेंगे इस तरह से। अब जैसे ही हम शिफ्ट की स्पेस बार दबाते हैं और हमारे पास ये चारों व्यू में दिखना चालू हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है? आप ट्राई करेंगे इस तरह से और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा जहां भी आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू।